भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित आवास में बड़ी संख्या में महिलाओं की बैठक हुई। बैठक में विधायक देवेंद्र यादव से महिलाओं ने स्वरोजगार से जोड़ने की मांग की, जिस पर विधायक ने नगर निगम और आजीविका मिशन के अधिकारियों को मौके पर बुलवाकर इस दिशा में कार्य करना के निर्देश दिए। आत्मनिर्भर बनने और स्वयं को स्वरोजगार से जोड़ने की प्रमुख मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित निवास पहुंची। वार्ड क्रमांक 21 से 25 और वार्ड क्रमांक 45-46 की महिला समितियों की अध्यक्ष महिला कांग्रेस महामंत्री राजू चंदा के नेतृत्व में विधायक आवास में एकत्रित हुई। यहां आवेदन के माध्यम से महिलाओं ने विधायक को रोजगार संबंधी समस्या से अवगत कराया। विधायक देवेंद्र यादव ने गंभीरता से महिलाओं की समस्या को सुनने के उपरांत बैठक में नगर निगम और आजीविका मिशन के अधिकारियों को बुलाया और महिलाओं को विभिन्न स्वरोजगार से जोड़ने कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मैंने निवेदन किया कि महिला बाल विकास विभाग में और नगर निगम में अनुरोध किया तो नगर निगम से बहुत सर जी आए हैं, महिला बाल विकास से पूजा अग्रवाल मैडम, आप अपन लोग बहुत समय नहीं जाया करते, मैं ब्रीफ क्या करूँगा कि आप करोगे बताओ, आप कर सकते हो, ये लीडर है अम्मा, पूरे सब महिला समूह महिला समितियां हैं 4-5 वार्ड में अलग अलग, बहुत एक्सपीरियंस है सब लोगों का, डेटा बहुत राइट डेटा है, फोकस भी है सब लोग की काम करना है, बस बेसिक जो जरूरत है वो संवाद की है, जैसे आप प्रशासन हो गए और ये उपभोक्ता हो गए कि ये महिला बाल विकास की चीजों से जुड़कर अपनी समिति ये अपनी अपनी 100-100 महिलाओं के लिए वो जो उद्योग है वो बढ़िया से कुल मिला के आप लोग कुटीर उद्योग ट्रेनिंग सेंटर आंगनबाड़ी इस पे काम करना चाहते हो तो इस पे आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है क्या, किसी कुटीर उद्योग को लेकर किसी भी समूह ने प्लानिंग की है क्या, किसी के पास कोई आइडिया है क्या? बहरहाल विधायक ने महिलाओं को आश्वस्त किया है कि वे सभी आपस में मिलकर चर्चा कर लें उन्हें किन किन कलाओं का प्रशिक्षण लेना है, जिसके बाद वे स्वयं एक्सपर्ट को बुलवाकर सभी को उन कलाओं का प्रशिक्षण दिलवाएंगे, जिससे वे कलाओं में पारंगत होकर खुद को स्वरोजगार से जोड़ सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।